नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार में आज 10 जिलों के 49 विधानसभा सीटों पर मतदान। बेहद कड़ी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 10 जिलों की 49 सीटों पर होने वाला मतदान चल रहा है। कई जगह पर ईवीएम की मशीनों में आई खराबी के कारण विलंब से मतदान शुरू हुआ। यह पहला मौका है जब बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की निगरानी के लिए ड्रोन के साथ साथ 5 हेलीकॉप्टरों की सेवाएं ली जा रही है। बेगूसराय में 96 साल की महिला ने व्हीलचेयर पर आकर मतदान किया। वहीं भागलपुर में एक मतदान केंद्र पर लाल कारपेट बिछाया गया, कुर्सियां सजाई गई, मानो कि कोई विवाह समारोह चल रहा है। मतदान से ठीक पहले स्टिंग में फंसे बिहार के मंत्री नीतीश ने लिया इस्तीफा। नीतीश कुमार सरकार में नगर विकास, निबंधन एवं उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा को उस समय पद से इस्तीफा देना पड़ा जब बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले उनका 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। कुशवाहा के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रुपए लिए जाने से क्षुब्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने के निर्देश दिए। भाजपा नेता सुशील मोदी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का पूरा मंत्रिमंडल घूसखोरी में लिप्त है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुंबई में शिव सैनिकों ने सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक पोती। मुंबई में शिव सैनिकों ने सुधींद्र कुलकर्णी पर काली स्याही फेंक कर उनका पूरा चेहरा बदरंग कर दिया। आज ही सुधींद्र कुलकर्णी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कस्तूरी की किताब का विमोचन समारोह रखा है। शिव सैनिकों ने आज सुबह जमकर उत्पात मचाया और उनके चेहरे को पूरी तरह काला कर दिया। सुधींद्र ने कहा कि हम डरने वाले नहीं। इस घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कार्यक्रम को और सुधींद्र कुलकर्णी के परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे।